अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ठीक रखे और हर बुराई से, हर परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू टाइटल आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लॉग किसके अबाउट है। सफाई सेल एंड शॉपिंग ब्लॉग है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। प्यारी सी सुबह से स्टार्ट करते हैं। सो मैं अभी उठी, फ्रेश हुई, उसके बाद जो मेरी बेसिक सी छोटी सी स्किन केयर है मैंने वो की। अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी मॉर्निंग टी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दोबारा थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है। अभी ईद भी गुजर रही है रमजान में, तो बस इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट मेरा गेन हुआ है। तो मैंने दोबारा अपनी मॉर्निंग टी स्टार्ट कर दी। बीच में मैंने स्किप कर दी थी, तो वो गलती हो गई जो मैंने स्किप कर दी थी। खैर, अब इसमें क्या क्या है? इसमें सौंफ है, जीरा है, सिनेमन स्टिक है, लेमन है और इसमें मिंट लीव्स है। मिंट लीव्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं। तो वैसे भी आपको पुदीने का पानी ना सुबह मॉर्निंग में पीना चाहिए अपनी अच्छी स्किन के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी मॉर्निंग टी में अपनी ऐड करके पी लेती हूँ। वैसे भी ऐसे यू नो पुदीने की तासीर ठंडी होती है, तो ये समर्स में अच्छा रहता है। देन मैं आ गई ड्राइंग रूम में जस्ट विंडो के लिए। मेरे रूम में विंडो नहीं है, तो जब जब मुझे दिल करता है कि थोड़ी सी रोशनी देखूं तो मैं ड्राइंग रूम में आके बैठ जाती हूँ। ग्रीन टी हो, कॉफी हो, सिंपल टी हो, तो बस वो तो ऐसी जगह पीने में मजा आता है जहाँ आप बैठ के सुकून से अपने आप को टाइम दे सको, अल्लाह ताला से कुछ बातें शेयर कर सको और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को आप फील कर सको, नेचर को फील कर सको। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, यहाँ से मुझे क्लाउड्स दिख रहे थे, आसमान दिख रहा था, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। चाहे आप जितना भी बिजी हो, लेकिन पूरे दिन में से अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम निकाला करें जिसमें आप बहुत रिलैक्स फील करें। आज की सबसे प्यारी बात मैं यही बोलूंगी कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सब अपने लिए बहुत प्रीशियस हैं एंड फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखें। हर चीज को साइड करें, पहले अपना ध्यान रखें, अपने आप को देखें, दैट्स इट। सो अब दिन की सबसे फेवरेट चीज पे आते हैं जो कि स्किन केयर है, और स्किन केयर करना तो मुझे बेहद पसंद है। फर्स्ट इसमें जो जो मैंने ऐड किया है वो आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो आप लोग आराम से ये फेस पैक बना सकते हो। बहुत मजे का फेस पैक है, लिटरली आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जानी है ना। तो ये वाले प्रोडक्ट्स मैं यूज करके बड़ा खुश होती हूँ, लाइक दिल मेरा सेटिस्फाई हो जाता है। दो दिन तीन दिन छोड़ के मैं अपनी इस तरह स्किन केयर कर लेती हूँ, कोई भी फेस पैक बना लिया या कोई भी स्क्रब कर लिया, तो वो मैं करती रहती हूँ। आप लोगों को पता है कि बकरीद भी आने वाली है, तो अब उसके लिए भी आप लोगों को अच्छी सी स्किन प्रिपेयर करनी है। तो मैंने तो अभी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब तक आपकी स्किन अच्छी प्रिपेयर नहीं होगी ना, तो जाहिर सी बात है मेकअप इतना प्रॉपर स्मूथ मेकअप नहीं होता। सो अच्छी अच्छी सी स्किन कर लें बकरीद से पहले, और इस तरह के फेस पैक मैं लेकर आती रहूंगी, हेयर केयर लेकर आती रहूंगी। तो अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपके मतलब का नोटिफिकेशन हो व्लॉग का वो आपको मिल सके। अब कह रही हूँ मैं अपना नाश्ता, और मुझसे नाश्ता बगैर टीवी के नहीं किया जाता, लाइक कुछ सामने हो जिसको देख के मैं अपना नाश्ता कर सकूं। तो टीवी पे कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ। आजकल मेरा फेवरेट जो चल रहा है वो तारक मेहता चल रहा है। आप लोगों में से जो जो देखते हैं ना, कॉमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ना पहले की एपिसोड्स देखी थी इसकी, जिसमें दया थी, तो दया का कैरेक्टर मुझे बड़ा मजे का लगा था, लेकिन अभी वो नहीं है, बट फिर भी मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगा काफी ये। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और जो स्ट्रेस के साथ मुझे चीज़ें वेयर करनी थी वो मैंने निकाल ली थी। अच्छा, थोड़ी सी स्टाइलिंग टिप्स दे देती हूँ जिसको मैं फॉलो करती हूँ। जब भी मैं अपने आप को ड्रेसअप करती हूँ, सबसे पहली चीज़ ये देखती हूँ कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है। रात के टाइम के हिसाब से मैं डार्क कलर्स वेयर कर लेती हूँ, और दिन के हिसाब के टाइम से उल्टा बोल दिया टाइम के हिसाब से मैं लाइट वेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अभी मुझे दिन में जाना था तो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट एंड लाइट कलर वेयर किया, ताकि वहाँ किसी को भी मुझे देख के गर्मी ना लगे और मुझे खुद भी गर्मी ना लगे। आपको पता है सफाई सेल पे जा रही हूँ, तो कितना रश होगा वहाँ पे। देन अगर ज्वेलरी की बात की जाए, तो मैं जस्ट शॉपिंग के लिए जा रही थी बिल्कुल कैजुअल, तो मैंने जस्ट एक वॉच वेयर की, लाइक छोटे छोटे बिल्कुल पर्ल्स के इयररिंग्स वेयर किए, और जस्ट एक रिंग वेयर की, बस दैट्स इट। और कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने एक्स्ट्रा वेयर किया हो। मेकअप मैंने कुछ नहीं किया, लाइक जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया और लिप्स पे हल्का सा लाइक एक जो डॉट होता है ना, उससे भी कम टिंट लगाया, उसके ऊपर मैंने अपना लिप बाम लगा लिया, बस। और कुछ भी नहीं लगाया मैंने अपने फेस पे। फेस पैक यूज करके इतना मजे का ग्लोइंग फेस हो गया था। हेयर स्टाइलिंग की बात की जाए, तो जस्ट मैंने अपनी चोटी बांध ली थी, गर्मी का टाइम था तो वहां बहुत मैस हो जाता अगर बाल वगैरह खोल के जाती। बहुत सारी स्टाइलिंग टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपसे हर एक स्टाइलिंग टिप शेयर कर सकूं, आपको प्रॉपर समझ आए। तो अभी तो ये शॉपिंग व्लॉग है, इसको शॉपिंग रहने देते हैं।
अच्छा जी, तो फर्स्ट मैं आई हूँ लाइमलाइट। यहाँ की क्या क्या ज्वेलरी न्यू आई है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ये रिंग्स अच्छे लग रहे हैं मुझे और इनकी ज्वेलरी कलेक्शन काफी अच्छी आई भी है। नहीं, रेड अच्छी लग रही है ईद के लिए। लाइमलाइट की प्राइड कलेक्शन काफी अच्छी आई हुई है। अनस्टिच मैंने नहीं देखी ना रिकॉर्ड की, क्योंकि टाइम नहीं था। स्पेशली मैं सफायर के लिए आई थी क्योंकि मामा के पास टाइम नहीं था। मामा ने कहा था जस्ट सफायर जाएंगे और अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे वरना वापस आ जाएंगे। मुझे रेड वन बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा वाला रेड था, ये गंदा वाला रेड नहीं था। मैं नॉर्मली रेड कलर नहीं पहनती ना, मुझे इतना कोई खास पसंद है, लेकिन ये वाला रेड बहुत प्यारा था। मैरूनिश रेड था ये थोड़ा सा। तो मम्मा ने बोला ये हैवी हो जाएगा, मैंने सोचा था ईद के लिए ले लूं, लेकिन मम्मा ने मना कर दिया कि हैवी हो जाएगा, गर्मी भी बहुत है, तो बस फिर मैंने नहीं लिया। और ये वाली जो वीडियो ये पहले की है, मैं पहले ईद से पहले लाइमलाइट गई थी, तो जब भी ये शर्ट लगी हुई थी और अभी भी ये शर्ट लगी हुई थी, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये पहले की है तो इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी भी प्राइड पर है, आप लोग ले सकते हैं। और ये भी प्राइड पर है पर्पल और व्हाइट शर्ट, इसके आगे भी एम्ब्रॉयडरी है और पीछे नेक पे भी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, जो मैंने भी आपको लाइट पिंक शर्ट दिखाई थी, ये शर्ट मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी थी, लाइक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी छोटी थी जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे लेनी नहीं दी, तो बस फिर मैंने नहीं ली। और मुझे कुछ और पसंद आया तो बस फिर मैंने वो ले लिया, लेकिन ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होती ना तो ये पक्का लेती मैं। देन हम लोग गए जे डॉट बाबा के कुछ ड्रेसेस के लिए, उसके बाद हम आए स्टाइलो फुटवेयर के लिए। मैं शॉपिंग पे आऊँ और फुटवेयर ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे इतने पसंद है फुटवेयर, लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों को पता है कि जब शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाता है। मम्मा मुझे घर से कह के आई थी कि जस्ट हम सफायर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ सब जगह घूम रही है क्योंकि उन्हें भी शॉपिंग पसंद है। अब जब आती हैं देखती हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, तो बस फिर हम लोगों ने ऐसे अपने फुटवेयर लिए, पसंद किए, अच्छे फुटवेयर आए हुए थे। और सबसे अच्छी चीज, मुझे यहाँ की ज्वेलरी बहुत पसंद आई, ईद वेयर ज्वेलरी इतनी प्यारी आई हुई थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्टोन्स वाले इयररिंग्स भी थे, गोल्डन भी थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, थोड़े से फेस्टिव लुक पे थे। अगर मैं अभी ईद का ड्रेस ले चुकी होती तो मैं यहाँ से इयररिंग्स वगैरह ले लेती, लेकिन अभी तक तो ऐसी बात है पड़ी, ईद का ड्रेस नहीं लिया, इसलिए बस यहाँ से ज्वेलरी तो नहीं ली, लेकिन अच्छी ज्वेलरी आई हुई है स्टाइल ऊपर। उसके बाद हम लोग आए सफायर रश देख के, आपको पता चल ही क्या होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। सो इतना ज्यादा क्राउड था यहाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या मिल रहा है, इतना किस तरह के ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे होंगे, लेकिन जब मैं आई तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी इतना अच्छा नहीं था, और जो मुझे कुछ अच्छा लगा उसके प्राइजेस ड्रेस के हिसाब से बहुत हाई थे। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं 26 यानी कल गई थी और 24 को सेल लगी थी, तो इतना कुछ लाइक चले गया था और शायद मैं लेट आई हूँ इसीलिए मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया और कुछ इतना बचा नहीं, वरना कलेक्शन अच्छी होगी, लेकिन अभी जो कलेक्शन थी ना वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई, सिंपल स्टिच हुई थी, लेसेस लगी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसके प्राइस देखे तो सेल के बाद भी 5000 समथिंग थी, तो मैंने सोचा ये मैं क्यों लूँ, मैं घर में सेम ऐसी स्टिच करवा सकती हूँ और मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम ये रिक्रिएट करूंगी डिजाइन में। जो डिजाइन मुझे अच्छे लगे उनको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, तो सेम ऐसे ड्रेसेस मैं बना लूंगी घर में खुद ही, इतने एक्सपेंसिव लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं ड्रेसेस वो देखती हूँ लाइक प्राइड से, वो लेती हूँ जो घर में खुद स्टिच ना हो सके। तो ये ड्रेसेस अगर एक्सपेंसिव भी हो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन अगर घर में खुद स्टिच हो सके ड्रेस सेम वैसे ही, तो मैं वो नहीं लेती। मैं बेवकूफी समझती हूँ जो ड्रेस घर में स्टिच हो सके और उस पर पैसे आप इतने ज्यादा ज्यादा वेस्ट करो, तो वो तो मैं घर में खुद कर लेती हूँ रेडी, और मैं करके दिखाऊंगी। मुझे ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी थी, ये शर्ट भी आराम से घर में स्टिच हो सकती है, तो मैंने मम्मा से कहा था कि मम्मा आप इसको पकड़ के खड़े हो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी डिजाइन शेयर कर दूं और खुद भी सेव कर लूं अपने पास। और ये व्हाइट वन ऑफ व्हाइट भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, ये भी स्टिच हो सकती है। तो 4-5 डिजाइन मैंने निकाल लिए जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए, अगर आप घर में स्टिचिंग करते हो तो काम आएंगे आप लोगों के, और मैं भी सेम इस तरह के रिक्रिएट करके दिखाऊंगी और उस पर एक अलग व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन बकरीद के बाद, क्योंकि बकरीद तक मैं थोड़ी मसरूफ हूँ और बकरीद पे भी मसरूफियत होगी, तो इसलिए बकरीद के बाद। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी कलेक्शन अभी बची नहीं थी, और जो अच्छी थी वो बहुत ओवर प्राइस थी, तो लोग ले क्यों रहे हैं। खैर, अभी भी सेल का एक
दिन बचा है, लास्ट डे है कल, तो अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं व्लॉग देख के मत जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं बची है, सब खत्म हो गया है, तो जाना फिजूल है। इससे अच्छा ये है कि आप लोग न्यू अरावल का वेट करें और वहां पैसे खर्च कर लीजिएगा। मैंने अपनी एडवाइस दे दी है, बाकी इट्स योर चॉइस। हेलो, मुझे जस्ट एक शर्ट अच्छी लगी थी और उसी शर्ट की वजह से मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी हूँ उसको लेने के लिए। उसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर यहाँ पे मेरी इनसे दोस्ती हो गई। जाहिर सी बात है, अब इतनी लंबी लाइन में इतने टाइम से मैं खड़ी हूँ तो किसी ना किसी से तो बात होगी ही, तो मेरी इनसे बात हो गई और इनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। खुद से बात तो नहीं की जाती मुझसे, लेकिन जब इन्होंने मुझसे बात की तो फिर मेरी इनसे दोस्ती हो गई थी। इतना क्राउड था, इतनी लंबी लंबी लाइन थी, इतनी गर्मी हो रही थी, लाइक एसी भी जो चल रहे थे वो काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा है जाहिर है इतने क्राउड में कहाँ तक काम करेंगे। खैर, मुझसे ना इतने रश में शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल ही अजीब माहौल हो रहा था सफाई का, तो मम्मा में बात करते हुए हंस रहे थे कि यार यहाँ पे शायद सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लाइक जेंट्स भी। अच्छा जी, तो जो जो शॉपिंग मैंने आज की है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट्स आपने लाजमी करने हैं, मुझे बताना है व्लॉग कैसा था। कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आगे के व्लॉग्स आप लोगों को कैसे चाहिए। सो आज का व्लॉग यही था। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।